शादी शादी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम इंडियंस ना शादी के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, एंड बहुत सारा, लिटरली बहुत सारा। हमारे इंडिया में, इंडियन वेडिंग्स में जितना पैसा खर्चा होता है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं इतना पैसा खर्चा नहीं होता। इनफैक्ट मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे इस्लाम में मैरिज को बहुत आसान बनाया गया, बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन फिर भी इसको जानबूझ के दुनियावी तरीके से इतना ज़्यादा टफ कर दिया गया है कि एक आम आदमी मैरिज करने से पहले, शादी करने से पहले 10 बार सोचता है। अब गाइस, लोग इस पे इतना पैसा स्पेंड करते ही क्यों हैं? वेडिंग के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत ही क्या है? तो ये सीधी सी बात है कि लोग ना अपना सोशल स्टेटस जो है वो बना के रखना चाहते हैं, सोशल स्टेटस जो है वो हाई दिखाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं कितनी इनकम दे कर रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, ये तो कोई नहीं देखने जाता, क्योंकि किसी को तो मेरी ITR नहीं पता, किसी को तो मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं जा रही है, कोई तो नहीं देख रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो है पूरी दुनिया देखती है, पूरा समाज देखता है। तो इस चक्कर में लोग अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए, हाई क्लास स्टेटस दिखाने के लिए इन सब चीजों पे ज्यादा खर्चा करते हैं। ये लोगों की मानसिकता बनी हुई है। और दूसरी जो है, गेस्ट के लिए, जो उनके गेस्ट आते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स आते हैं, उसको अच्छा क्वालिटी की खातिरदारी हो सके, अच्छी क्वालिटी की चीजें उनको मिल सके, इसलिए वो ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। एंड गाइस, ये साइकोलॉजी है कि लड़कों वालों का जो है वो कम खर्चा होता है, लड़की वालों का जो है वो ज्यादा खर्चा होता है। हर कोई दबा के खर्चा करता है अपनी शादी में, कोई 10 लाख करता है, कोई 20 लाख करता है, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक रुपए लोग खर्चा कर देते हैं। एंड आप बड़ा ही अजीब और गरीब चीज़ें सुनोगे, लोग खर्चा करने के लिए अगर उनके पास सेविंग्स है तो पूरी सेविंग्स डाल देंगे, सेविंग्स नहीं है तो लोन लेकर खर्चा करेंगे, या फिर ज़मीन, घर, वर्क, काफ़ी सारी चीज़ें लोग बेच देते हैं वेडिंग्स में खर्चा करने के लिए। जो गाइस गेस्ट आते हैं, लोग आते हैं जो शादी में, उनको दो दो बार दावत की जाती है, दो दो बार उनको लग्जूरियस खाना दे दिया जाता है खाने के लिए। एंड वो लोग जिनको आपके खर्चे से ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी बेहतर कर लो ना, वो लोग 10 कमियां निकाल के जाएंगे कि ये चीज़ सही नहीं था, ये चीज़ सही नहीं था। आप जितना मर्जी खर्चा कर लो, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दो कैसे मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ आपकी तरफ खाएंगे, एक तरफ लड़की वाले की तरफ खाएंगे। शादी जो है वो लड़की वालों की तरफ से आएगी और जो रिसेप्शन होगा वो आपकी तरफ से होगा। जो गेस्ट रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, वो गेस्ट चेंज नहीं होते। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा जो है बचाया जा सकता है, आप चाहोगे तो ये पैसा बच सकता है। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी चीजों पे स्पेंड ना करके, ठीक है, आप ऐसी चीजों पे कर सकते हो, अपनी बेटी के लिए आप FD करा सकते हो, ज्वेलरी दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, अलग अलग चीजें कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि वो उसके फ्यूचर में काम आए। ये एक दिन की, मैंने देखा है लोग ना रोते हैं, एक दिन की शादी के लिए, एक रात की बात होती है ना, एक रात के लिए वो इतना बड़ा बड़ा लोन ले लेते हैं कि 10-10 साल तक वो लोन चलता रहता है। तो ऐसी हरकतें अगर आप करोगे ना, तो बड़ा सोच समझ के करना। लोगों का क्या, लोग तो बोल देंगे शादी रोज़ रोज़ थोड़े ना होनी है, ये ज़िंदगी में एक बार लोग करते हैं। लेकिन भाई, ऐसी शादी करनी ही क्यों जिससे आपका जो फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ा जाए, आप कर्जे में डूब जाओ। 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो और आप 20 लाख रुपये का लोन लेकर बैठ गए। लोग आपको बड़े ज्ञान देंगे कि बड़े बड़े लोग इतना खर्चा करते हैं, अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 400 करोड़, 700 करोड़ खर्चा कर दिया। अरे भाई, वो अंबानी है, अंबानी की बराबरी आप नहीं कर सकते ना। अंबानी ने अगर 400 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं अपनी बेटी की शादी में, तो वो डेली का देख लो कितना कमा रहा है। डेली की जो उसकी इनकम है वो 150 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ 10 दिन की इनकम उसकी वेडिंग की इनकम से ज्यादा हो जाती है। तो गाइस, मेरा पर्सनली मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको भी ये चीज करनी चाहिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो आप। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो आपके पास बजट है उस बजट के अंदर शादी करो। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अपना घर फूंक के तमाशा नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको अपना घर फूंक के लोगों को तमाशा दिखाने वाली बात है, तो इस पे थोड़ा सा आपको गौर करना है। आपको बस उतना ही खर्चा करना है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, उतना ही कर्ज लेना है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। मतलब लोगों को सिर्फ दावत देने के लिए इतना हेवी खर्च नहीं कर लेना है कि मतलब आप 20 साल तक लोन में ही फंसे रहो। तो ये चीज़ से आपको बाहर निकलना है। वेल, इस चीज़ पे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या लगता है आपको कि शादी में हेवी खर्चा, ज़्यादा खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने बजट से चलना चाहिए, या फिर खर्चा तो करना ही है, चाहे जेब से करो या कर्जा लेकर करो, ज़मीन बेच कर करो। आपकी क्या मानसिकता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।